हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? आपके अपने चैनल कुक विद हैप्पीनेस में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ये स्टफ्ड टिक्की, जो बाहर से जितनी क्रिस्पी है अंदर से सुपर क्रिस्पी है, और वो भी सिर्फ 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल में। जितने ऑयल में हम डिनर में सब्जी तैयार करते हैं, उतने ही ऑयल में हम पूरी फैमिली के लिए ये टिक्की तैयार कर सकते हैं। बिना मैदा, अरारोट, कॉर्नफ्लोर, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए जानते हैं कि ये हेल्दी सी टिक्की कैसे बनाई जाती है, और इसके सभी टिप्स जानने के लिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ ज़रूर बने रहिए। ये 10 से 12 आलू ले लिए हैं मैंने, उन्हें अच्छे से बॉईल कर लिया है। आप बॉईल करते समय इतना ध्यान रखें कि पानी कम से कम यूज़ करके आलू को बॉईल करें, जिससे हमें आलू में यूज़ करने वाला बाइंडिंग एलिमेंट कम यूज़ करना पड़ेगा और टिक्की को बांधने में आसानी होगी। इसके साथ ही हमें चाहिए कोई ना कोई बाइंडिंग एलिमेंट। ठेले वाले अरारोट, कॉर्नफ्लोर और मैदा वगैरह यूज़ करते हैं, वो एक हेल्दी ऑप्शन नहीं है। उसकी जगह पे हम ब्रेड क्रम्स, चावल का आटा या फिर पोहा का यूज़ कर सकते हैं। उससे भी हमारी टिक्की काफ़ी क्रिस्पी बनेगी और साथ ही हेल्दी भी। मैंने एक कटोरी पोहा ले लिया है, उसे 2 से 3 पानी में इस तरह से अच्छे से धो रही हूँ। धोने के बाद इसका सारा पानी ड्रेन कर देंगे हम, और अब आलू को मैशर की हेल्प से या ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लेंगे, कुछ इस तरह से। ये सारे आलू मैंने मैश कर लिए हैं। अब इसमें जा रहा है ये सारा पोहा, जिसमें हल्का सा मॉइस्चर भी है, और अब हमें आटे की तरह से इसे इस तरह से गूंद लेंगे। इसकी सारी गुठलियां हटाते हुए बिल्कुल स्मूथ इस तरह से। ये सारे आलू और पोहे का इस तरह से 2 फॉर्म में तैयार कर लेंगे हम। इसमें हमने नमक नहीं यूज किया, क्योंकि उससे पानी छोड़ने लगते हैं आलू और टिक्की क्रिस्पी नहीं बनती। अब स्टफिंग के लिए मैंने ले ली है चने की नमकीन, जो मार्केट में मिल जाती है आसानी से, और ये बहुत ही क्रिस्पी और करारी होती है। इसमें नमक वगैरह भी डला हुआ होता है अच्छे से, और इसमें मैं मिक्स कर दूंगी थोड़े से बारीक कटे हुए पनीर के टुकड़े और हरी मिर्ची। पनीर ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो जरूर डालें। अब इस तरह से हाथों में हल्का हल्का ऑयल लगाते हुए एक लोई तोड़ लूंगी मैं, और इसे हाथों की मदद से ही एक पूरी की शेप में उसी साइज का इसे फैला लूंगी। अब इसमें 2 टेबलस्पून के करीब स्टफिंग फिल कर लूंगी। इससे हमारी टिक्की अंदर से भी बहुत क्रिस्पी और टेस्टी लगेगी। इस तरह से फोल्ड करते हुए हाथों की हेल्प से मैं इसे अच्छे से दबा दबा कर टाइटली बोल बनाऊंगी, क्योंकि फिर इसमें हवा भर जाती है जब हम इसमें इतनी सारी फिलिंग फिल करते हैं। तो टाइटली इसका एक बोल बना लेंगे, हाथों पे हल्का सा ऑयल और लगाकर इसे दबा दबा कर थोड़ा सा फ्लैटन कर लेंगे। और एक बड़ी टिक्की, जो हमारी बर्गर बन में बनती है, उस टाइप की बड़ी टिक्की तैयार कर लेंगे। अगर कहीं से स्टफिंग हमारी बाहर आ रही हो, तो हल्का फुल्का आलू का मसाला डालकर या हाथों से दबाकर प्रेस करके हम अपनी टिक्की को बढ़िया शेप दे सकते हैं। इसी तरह से मैं दूसरी टिक्की भी तैयार कर लूंगी। I'm not afraid to die.
तरह से मैं सारी टिक्कियां बनाकर तैयार कर लूंगी। कुछ मैंने बहुत बड़ी टिक्कियां बनाई हैं और कुछ छोटे साइज की, क्योंकि हम इन टिक्कियों को बहुत सारी तरह से इंजॉय कर सकते हैं। अब हम इन टिक्कियों को आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि टिक्कियां और भी क्रिस्पी बने। और आइए अब चटनी बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए थोड़ा धनिया ले लिया है मैंने, और साथ ही ले लिए हैं 2-3 मिर्चें, 3-4 टेबलस्पून दही ले लिया है मैंने। इसके साथ ही हम डाल देंगे 3-4 टेबलस्पून चने वाली नमकीन, इससे हमारी चटनी और भी करारी बनेगी। और 1-2 टेबलस्पून नींबू का रस और थोड़ा सा नमक, इसे ग्राइंड कर देंगे हम। ये चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। और हम एक तवे को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे, सुपर हॉट, और उसके ऊपर 3-4 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और उसे भी बहुत अच्छी तरह से, ये देख रहे हैं आप, सुपर हॉट ऑयल के ऊपर हम अपनी टिक्की एक एक करके प्लेस करते जाएंगे। एक टिक्की को सेंटर में रख देंगे और बाकी टिक्कीज को एक एक करके साइड में प्लेस करते जाएंगे। इससे हमारी साइड वाली टिक्कीज भी धीरे धीरे रोस्ट होती रहेंगी। एक तरफ से टिक्की हल्की सी ब्राउन होने के बाद हम टिक्की पलट देंगे। और इस तरह से सुपर हॉट तवे के ऊपर थोड़े से ही ऑयल में ये टिक्की हमारी बिल्कुल क्रिस्पी बनकर तैयार हो जाएगी। मैं अभी दिखाती हूँ आपको, ये देखिए कितनी बढ़िया और करारी टिक्की बन रही है। इस तरह से सारी टिक्कीज एक एक करके मैंने तवे पर प्लेस कर दी हैं। मेरा तवा थोड़ा बड़ा है तो इस पर 8-9 टिक्कीज एक बार में फ्राई हो रही हैं। कितनी क्रिस्पी और बढ़िया लग रही है हमारी टिक्की देखने में ही। टिक्की अंदर से कच्चे रहने के भी कोई चांस नहीं है, क्योंकि हमने इसमें रॉ मैदा वगैरह कुछ यूज नहीं किया, सब पका हुआ है। चने की दाल भी पकी हुई है हमारी। ये देखिए टिक्कीज मैंने प्लेट में निकाल ली हैं। ये टिक्की हमारी कितनी क्रिस्पी बनी है इसकी आवाज सुनाती हूँ मैं आपको अभी। ये देखिए, और एक टिक्की काट के दिखाती हूँ, अंदर की फिलिंग बहुत ही क्रिस्पी और उम्दा टिक्की बनकर तैयार हुई है। इसे आप हरे धने की चटनी और मीठी इमली की चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मेरे चैनल पर इमली की बिना चीनी की चटनी भी मैंने बना रखी है, आप उसे जरूर देखें। और मैं इसे बर्गर स्टाइल में भी अब सर्व करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने ब्रेड तवे पर बिना ऑयल के ही हल्के क्रिस्पी कर लिए हैं। और साथ ही मैं ले रही हूँ कुछ पनीर के स्लाइस कटे हुए, कुछ प्याज के स्लाइस, टमाटर और खीरे के स्लाइसेस। इसके साथ ही चटनियाँ और दही भी तैयार हैं। तो आइए सर्व करते हैं हम अपनी टिक्कियों को। ये ब्रेड स्लाइस के ऊपर मैंने थोड़ा सा केचप डाल लिया है, क्योंकि इसके लिए केचप ही बढ़िया लगता है। इसे फैला लूंगी मैं। अब ये दूसरे स्लाइस के ऊपर हरी चटनी स्प्रेड कर दूंगी मैं, और इसके ऊपर टिक्की रखकर
पनीर का स्लाइस, खीरे के स्लाइसेस, प्याज, टमाटर, ये हमारा टेस्टी क्रिस्पी और बहुत कम ऑयल में बना हुआ बर्गर स्टाइल ब्रेड टिक्की बनकर तैयार हो चुकी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये ब्रेड टिक्की आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। इस तरह से काट कर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सारे फ्लेवर्स, अब मैं दूसरी तरह से ये टिक्की सर्व कर रही हूँ। टिक्की के ऊपर दही, हरी चटनी, इमली की खट्टी मीठी चटनी, प्याज, थोड़ा सा लंबा कटा हुआ अदरक और थोड़ी सी भुजिया। आप चाहें तो इस टाइम पे अनार के दाने भी डाल सकते हैं। घर पर टिक्की बनाने का यही फायदा है कि अपनी पसंद के कोई भी फ्लेवर्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए। कुक विद हैप्पीनेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। और अपने फ्रेंड्स को ये सारी रेसिपीज शेयर करनी बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।